हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो है और पार्ट 13 वीडियो में प्रश्नावली 11B पे है और क्वेश्चन नंबर है 31 का ए नंबर। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र जो है वो है, वृत्त का केंद्र है एंगल ए ओ सी बराबर में 140 डिग्री है, तो हमें एक्स और वाई इन दोनों का मान निकालना है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। अच्छा, और क्या दिया है, एंगल ए ओ सी बराबर में 140 डिग्री। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है एंगल एक्स क्या होगा तथा एंगल वाई क्या होगा, इन दोनों का मान निकालना है। तो देखो ना, अब इसका हल देखो, यहाँ पर मैं एंगल ए बी सी की बात करूँ, ए बी सी की बात करूँ तो ये आधा हो जाएगा एंगल ए ओ सी का। तो आप जानते हैं कैसे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृत्त वृत्त के चाप द्वारा, वृत्त के चाप द्वारा, वृत्त के परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण, बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, बने कोण का आधा होता है, बने कोण का आधा होता है, बने कोण का आधा होता है। एंगल ए बी सी जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, किसका, 140 डिग्री। यहाँ से कट जाएगा 70 बार में, यानी कि वाई बराबर में आ गया 70 डिग्री। तो y का मान तो 70 डिग्री आ गया, एंगल y आपका 70 आ गया, हमें एंगल x भी निकालना है। तो देखो ना, एंगल b और d का योग 180 हो जाएगा ना जी, ये क्यों, क्योंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है, तो एंगल b और d का योग 180, एंगल b प्लस एंगल d बराबर में 180। तो लिख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, सम्मुख कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल बी हमने, बी हमने ऊपर निकाल दिया है, यानी बी कहने का मतलब यहाँ वाई से है, और वाई हमने 70 डिग्री निकाल दिया है। ठीक है, और आपका डी निकालना है, यानी कि एक्स निकालना है, एंगल एक्स निकालना है बराबर में 180। इसको ले घटा देते हैं तो एंगल एक्स बराबर में हो जाएगा आपका 180 में से 70 घटा देंगे। ठीक है, तो 180 में से 70 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। यहाँ से इसका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन